the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Rafi Ko Yaad Karo. Bol ka shabab kya husne mahata. जब 1988 में फर्ज की जंग के ऑडियो कैसेट और रिकॉर्ड जारी हुए थे तो लोगों के होश उड़ गए। इस फिल्म में टोटल 5 गाने थे और गानों की लिस्ट में सबसे ऊपर रफी साहब का गाना था। आप तो बस आप हैं। जब इस फिल्म के कैसेट और रिकॉर्ड जारी हुए उस वक्त रफी साहब को दुनिया से विदा हुए 8 साल हो चुके थे। जुल्फों से जब लोगों के सामने ये बात आई कि रफी साहब का गाना गोविंदा पर फिल्माया गया है तो लोग हैरत में पड़ गए और फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। उस दौर के नए एक्टर गोविंदा पर फिल्माया गया ये गीत लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। इस फिल्म में 5 गाने थे जिसमें एक गाना रफी साहब का था जो सुपरहिट रहा। अनजान का लिखा ये गाना बप्पी लहरी के संगीत में रफी साहब का ये आखिरी गाना था। फूल का शबाब क्या। दोस्तों कहा जाता है गोविंदा भी बहुत खुश हुए थे जब रफी साहब के इस गाने पर उनको लिपसिंग करने का मौका मिला। आँखों में ताबा कितना। रफी साहब के इंतकाल के 8 साल गुजर जाने के बाद इस गाने ने जम के धूम मचाई। ये फिल्म 17 मार्च 1989 में रिलीज हुई और रफी साहब का ये गाना सुन के लोग खुश हुए और रोए भी। गोरे बदन से लिपटा। दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। फूल का शबाब क्या।